दोस्तों आज मैं आपसे पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टेट बिहार के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ की आबादी 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। दोस्तों बिहार की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी पटना है। दुनिया के काफ़ी महत्वपूर्ण धर्मों में से एक बुद्ध धर्म के लिए बिहार काफ़ी खास जगह रह चुका है, क्योंकि बिहार की कैपिटल सिटी पटना से 96 किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु जी श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी पटना में हुआ था। दोस्तों बिहार की 25% से भी ज़्यादा आबादी की उम्र 25 साल से भी कम है और ये इंडिया का सबसे यंग राज्य है। इंडिया की हिस्ट्री में बिहार को काफ़ी खास माना जाता है। प्राचीन भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी भी बिहार में थी, जो 5वीं सदी में बनाई गई थी। और इस यूनिवर्सिटी में पूरी दुनिया से छात्र स्टडी के लिए आते थे। दोस्तों इंडिया की किसी भी स्टेट के मुकाबले सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स बिहार से बनते हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक केरला, कर्नाटका और गुजरात राज्य को अगर एक साथ भी मिला दिया जाए तब भी बिहार इन सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स को पैदा करता है। इस समय पूरी दुनिया में सबसे बड़ा फ्री वाईफाई जोन पटना शहर में मौजूद है, जो कि 20 किलोमीटर लंबे जोन में फैला हुआ है। इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद भी बिहार के थे। और इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा जैसे बड़े बॉलीवुड स्टार्स का जन्म भी बिहार में ही हुआ था। और मिस वर्ल्ड से बॉलीवुड तक का और बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर करने वाली देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का जन्म भी बिहार के जमशेदपुर में हुआ था। हालांकि अब ये एरिया झारखंड में आता है। दोस्तों इंडिया के हर राज्य की तरह ही बिहार भी अपने स्वादिष्ट खाने के लिए काफ़ी मशहूर है। अगर आप बिहार में घूमने जाएं तो आपको बालूशाही, काला जामुन और लिट्टी चोखा का स्वाद तो ज़रूर चखना चाहिए। इसके अलावा बिहार राज्य में टूरिस्टों के लिए काफ़ी सारी घूमने लायक जगह भी मौजूद है। बिहार में जाकर आपको तख्त श्री पटना साहिब और गुरु का बाग गुरुद्वारों में ज़रूर जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थे बिहार के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी ज़रूर करना। और आने वाले टाइम में ऐसी ही कमाल की वीडियोस को देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटी को भी ज़रूर दबा देना।